यार कितने यमी केक्स दिख रहे हैं ना, एक ऑर्डर कर दूं? मना किया था ना डॉक्टर ने, हर टाइम बाहर की चीजें, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब सैड हो गया, इससे हमेशा का है, कोई भी चीज मना कर दो बस मुंह बना के बैठ जाता है। क्या कर रहे यार तू? यार मैं बनाती हूँ ना, मैं बनाती हूँ तेरे लिए, घर में बनाती हूँ। मैं केक बनाऊंगी तेरे लिए हर्ष, मैं केक बनाऊंगी तेरे लिए हर्ष। छोटा मोटा केक नहीं, पूरा एकदम बड़ा तेरे साइज का ओरियो केक। कैसी है अनहोनी? ये मेरे मुँह से क्या निकल गया भैया? तेरा मुँह तो निकल गई। ओह शिट, मैंने हर्ष को बोल तो दिया जॉइंट ओरियो केक बनाऊंगी उसके साइज का, पर जॉइंट ओरियो केक बनाने के लिए मुझे 100 ओरियोस चाहिए होंगे, मैदा चाहिए होगा, बटर चाहिए होगा। कहाँ से आएंगे इतने सारे ओरियोस? ओरियोस! तो यहाँ पे मेरे पास दुनिया भर के ओरियोस। बड़ी तेज की टांड फूटी थी मेरी। यहाँ पे है डार्क कंपाउंड, यहाँ पे कोकोआ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, रिफाइंड शुगर, मैदा, हर्षी सिरप और दुनिया जहान की जो भी केक में चीजें डलती है सब कुछ है मेरे पास, बस मुझे बनाना नहीं आता। शाबाश! ऐसा करते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब माई बाप पे जाते हैं, सबसे ऊपर जो रेसिपी आ रही है उसको एक जॉइंट साइज में बना देते हैं। ओ माई गॉड, थैंक यू ग्रैंडपा, आप ही की रेसिपी देख के आज मैं हर्ष को केक खिलाऊंगी। लेट्स गो। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ मैं कलाबाजियां, ऐसी कलाबाजियां जो आपने कहीं किसी चैनल पे नहीं देखी होगी। मैं बनाने वाली हूँ सबसे बड़ा केक, इसलिए मैं लेके आई हूँ यहाँ पे सबसे बड़ा तवा। मतलब ये इतना भारी है, ओ भाई मैं सच्ची बता रही हूँ, कम से कम 35 किलो का तवा है, पता नहीं मैंने कैसे उठा लिया, बहुत मेहनत लगी। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो। अभी मैं केक स्टार्ट करने वाली हूँ, उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। इस बार के सब्सक्राइबर ऑफ द वीक है इलाक्षी जुनायरा और हर्षिता चौहान। और अगर आपको भी बनना है सब्सक्राइबर ऑफ द वीक तो आपको बस इतना सा करना है, आज की वीडियो में नीचे जाके एक अच्छा सा कॉमेंट लिखना है, डन करना है, अपना नाम लिखना है, एंड मे बी यू गेट अ शाउट आउट नेक्स्ट वीक। और यहाँ पे हमारे पास है ये बर्तन जिसमें मैं मिक्सिंग करने वाली हूँ, और इसके अंदर तो मैं लेट सकती हूँ, इतना बड़ा है। ओ भाई सही में मैं पूरी आ गई, अब मैं इसके अंदर गोल गोल घूमूंगी। झूला, इतना बड़ा केक बनने वाला है, चलो बनाते हैं। हैशटैग नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ओरियो। कितने सारे ओरियो, ओरियो की बारिश हो रही है यहाँ पे भाई, कितने सारे ओरियो भरी जा रहे हैं। पूरे पौने घंटे से मैं यहाँ पे सिर्फ ओरियो के पैकेट फाड़ रही हूँ। सही बता रही हूँ भाई, मैं तो थक गई यार, ये मैंने कहाँ पे अपना पैर फंसा लिया। और भाई यहाँ पे ये आखिरी पैकेट, कसम से बता रही हूँ कितना आसान दिखाते हैं वीडियोस में, हो गया भाई बहुत टाइम लगता है, 3-3, 4-4 घंटे इन्हीं कामों में लग जाते हैं, मैं तो थक गई भाई साहब। मिक्सी के अंदर इनका कुचुम्बर बनाना है, लेट्स मेक कुचुम्बर। मुझे बैकग्राउंड म्यूजिक में एक्चुअल में इनके वध का वो म्यूजिक सुनाई दे रहा है। बॉम्बे शाया गंगम अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैजिक, चुटकी बजाते ही पाउडर। यार मैं सच्ची बता रही हूँ, ये हर्ष के बच्चे का कहाँ से मन करता है अतरंगी चीजें खाने का, और मेरी जुबान देखो, मेरे को मतलब नॉर्मल साइज केक बनाना आता नहीं है, मैं जॉइंट बनाऊंगी। लोग मैदा डालो इसके अंदर, अब पहले अब हम डालेंगे इसके अंदर। ओ बाबा रे, उड़ी बाबा उड़ी बाबा, इतना सारा ओरियो पाउडर। अब इसके अंदर डालेंगे चीनी, हर्ष की जिंदगी में भी मिठास घोल देगी ये चीनी। और राइट दोस्तों, इसके बाद डालेंगे बेकिंग सोडा, श्रृंग ब्रिंग सर्वलिंग भूत भविष्य वर्तमान बेकिंग पाउडर बदलिंग एंड कोका पाउडर। और यहाँ पे इतनी सारी मक्खन की टिक्की जो कि मैं हर्ष को मक्खन लगाने वाली हूँ आज, चलो इसे मेल्ट करते हैं। ओ भाई ये बहुत ही स्कैरी है, मुझे डर लगता है गर्म चीजों से, कुछ भी कर सकते हैं, दे आर वेरी खतरनाक। चलो इसको इसके अंदर डाले, बहुत गर्म है, खुशबू ही खुशबू हो गई है पूरे घर के अंदर। यहाँ पे डॉक्टर साहब तैयार हो रहे हैं, मैंने अपने ग्लव्स पहन लिए हैं, अब सबसे खूनखार काम करना है, इस सारे बैटर को मिक्स करना है। कितनी मेहनत करनी पड़ रही है मुझे, जिससे मुझे सबसे ज्यादा नफरत है, मेहनत मैंने की है मेहनत। और इसी के साथ मेरे कपड़ों के खराब होने का पूरा रिस्क है, पर हम करेंगे। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ दूध दूध पकड़ा।
भाई मैं कह रही हूँ मेरी पूरी अंतड़ियों तक का जोर लग गया इसको घुमा के बैटर बनाने में। ओ भाई ये आसान नहीं है गाइस, अपना ये चैलेंज ना थोड़ा सोच समझ के लेना। अगर आपका मन है ये बनाने का तो पहले प्रिपेयर रहना, बहुत बहुत वर्कआउट करना पड़ेगा। ऐसा लग रहा है मैंने पूरे पूरे एक हफ्ते का जिम आज ही कर लिया है। बन गया बैटर, इसमें डालेंगे हर्षी सिरप। ओ भाई आई जस्ट होप कि ये वर्थ हो इतनी आफत जो मैंने उठाई है ना। आई जस्ट होप कि इसका एंड रिजल्ट अच्छा हो यार। ओके सो फाइनली इसको ग्रीस करने का टाइम आ गया। पूरे 3 घंटे के बाद मैंने इसमें अपना खून पसीना मेहनत सब दिया है, टाइम दिया है। मस्त सालवाई लगा हुआ है आज मेरे लिए केक बनाने के लिए। आ गए मंत्री जी, आ गए इनके लिए केक बन रहा है। ये नहीं कि मेरे साथ थोड़ी सी हेल्प करा दे। सारी हेल्प करा रहा हूँ, कैमरा मैं ही पकड़ रहा हूँ फ्रेंड ना। गंदा है यार। चल चल अब इसमें बटर पेपर लगा जल्दी जल्दी। देख रहा है मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ तेरे लिए, क्योंकि अब मेरे लिए कुछ बनाना पड़ेगा। बताओ गाइस हर्ष को मेरे लिए क्या बनाना चाहिए नेक्स्ट, जायंट कोई बड़ी सी चीज बताना कमेंट्स में। ओके अब हम ये इतना सारा इतना भारी बैटर डालेंगे इसमें। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई जा रहा है इसके अंदर। हर्ष थोड़ी पावर दिखा, सारे मैंने मेहनत करी है। भाई बंदे के मुंह में पानी आ रहा है एक्चुअल में। जल्दी जल्दी बना यार, मजा आ गया। भाई बैटर तो बन गया, बहुत ही तगड़ा लग रहा है एक्चुअल में। अब हमारे लिए स्टोव लाइट अप करने वाला है। बी केयरफुल हर्ष, ध्यान रखियो। आराम से यार मुझे डर लग रहा है। उत्तरी अब मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था गैस नहीं चलेगी तो शायद हमारा केक नहीं बनेगा, बट गैस ऑन हो गई है। चलो भाई फाइनली अब मुझे ऐसा फील हो रहा है कि हमारा ये केक जो है दुनिया का सबसे बड़ा केक बनने वाला है। वी गोना मेक जॉइंट ओरियो केक और हम बना के रहेंगे, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर, हां हाय हां। बिग बॉस बहुत हीट आ रही है, लेट्स गो मैन। बॉब द बिल्डर, करके दिखाएंगे। बॉब द बिल्डर, हां हाय हां। करते हैं इसका ढक्कन बंद। Moments later. मैंने पूरा तामझाम यहाँ पे नीचे अपने घर के अंदर ही कर दिया था, बट वी रियलाइज कि काफी ज्यादा स्मेल हो गई है घर के अंदर और बहुत ज्यादा ना धुआं फैल रहा था, तो हमने डिसाइड किया कि इस पूरे सेटअप को ना यहाँ से लेके चलते हैं छत पे। कन्वीनियंट रहेगा, स्मेल भी नहीं होगी और थोड़ा सेफ्टी कंसर्न से भी सही रहेगा। तो चलो ऊपर लेके चलते हैं। थोड़ा सा और तामझाम झमेला करना पड़ेगा, बट अभी ऊपर तो लेके जाना पड़ेगा। उठाओ भाई उठाओ पूरा इतना भारी सेटअप। भाई भयंकर गर्मी हो रही है, पूरा सेटअप ऊपर लेके आना पड़ा क्योंकि नीचे तो कर ही नहीं सकते थे। इतनी हीट फेंक रहा है, अभी यहाँ बैठे बैठे मेरे को वीडियो रिकॉर्ड करनी है इसलिए बैठना पड़ रहा है। इतनी गर्मी लग रही है जिसकी कोई हद नहीं, मतलब अभी पता नहीं है बनेगा या नहीं बनेगा। मैं काफी ज्यादा सैड हूँ, मुझे नहीं पता, मतलब मेरे को इतनी मेहनत लगी और उसके बाद भी ये पक नहीं रहा है। बहुत मुश्किल लग रही है पकाने में इसको, हीट बार बार मैं एडजस्ट कर रही हूँ। यार बन तो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पे लेयरिंग तो आ गई है, पक्का होना शुरू हो गया है। बीच बीच में से ऐसे ब्राउनी नहीं लगती, तो आई जस्ट होप कि ये बन जाए। बहुत देर लग रही है, सुबह शुरू किया था शाम हो गई है, पता नहीं और कितना टाइम लगेगा। आफत ले ली मैंने एक्चुअल में तेरी वजह से अपने सर पे, इससे अच्छा बाहर से मंगवा देती। आई एम सैड भाई, तेरा पसीना आ रहा है बहुत ज्यादा यहाँ यहाँ। फिर ना मैं ये सोच रहा हूँ अगर बारिश होगी तो। अरे भाई कुछ तो शुभ शुभ बोल ले, मौसम हो रहा है काले बादल आ गए, बारिश होने वाली है। काले मेघा काले में बारिश मत बरसा। 2 seconds later वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था, बारिश हो गई। अब केक को यहाँ से हमने खिसका के वहाँ ले गए। यार ये केक नहीं बनने वाला यार, इससे बढ़िया ना ऑर्डर कर दे। बी पॉजिटिव बनेगा। तो अभी हमने इतनी देर बाद इसको हटा के देखा है, केक तो बन गया यार, ऑलमोस्ट रेडी है केक अब तेरा। यार बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फाइनली मेरा जॉइंट केक बहुत ही जद्दोजहद के बाद तैयार है। हर्ष को तो पता नहीं, मेरे को इसने पूरी कोशिश करी कि केक ना बन पाए, पर मैंने बना लिया है। बहुत बड़ा मैसिव केक है, मेरे मुंह से भी ऐसे 10 मुंह आ जाएंगे इसके अंदर। चलो अब इसके ऊपर लगाते हैं बहुत सारी क्रीम, इसको डेकोरेट करते हैं। सबसे ज्यादा मजा मुझे डेकोरेशन में आता है, लेट्स बहुत मजा आ रहा है मुझे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे ओरियोज लगा दिए ओरियो केक के ऊपर, और भी बहुत सारे ओरियोज ताकि हर्ष एकदम ओरियो की दुनिया में डूब जाए इसके अंदर। अब हम लगाने वाले हैं इसके ऊपर बहुत सारा चॉकलेट चंक। पिछले जन्म में मैं पक्का शेफ रही होंगी। पागल है तू, इस जन्म में भी शेफ है ब्रेन ना, कोई इतना बड़ा केक कैसे बना सकता है। गाइस ये ना आपके मुंह पे ऐसे बोल रहा है, पीछे से पता है मेरे को क्या बोल रहा था, ये भी कोई केक होता है, इतना उबड़ खाबड़ सा केक बनाया। मैंने कहा यार मैंने एटलीस्ट कोशिश करी,
थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया पर बना तो सही। ये बीच में क्या लिखा है तूने? ये तेरे को पढ़ने में नहीं आ रहा? WH मुझे लगा सब। क्या बात है, तो बन गया यहाँ पे वॉन्डर्स हब का सबसे बड़ा जॉइंट ओरियो केक। बहुत मजा आ रहा है मुझे। आई कांट वेट टू टेस्ट इट। जल्दी से मन कर रहा है पूरे का पूरा खा जाऊं। हर्ष पर तेरे लिए बनाया तो तू पहले खाएगा। चलो खाओ। एंड फाइनली जिस घड़ी का मुझे इंतजार था, जिस चीज को मैंने 18 घंटे दिए, हर्ष काटने जा रहा है मेरा प्यारा केक। बार बार दिन ये आए बार दिन। अरे यार वैसे काट मत, मैंने इस केक को बहुत सारा टाइम दिया पूरे। मैं खुद यही सोच रहा था यार, तूने इस केक को 18 घंटे दी तो मुझे कटवाने कैसे दे रही है। मैं सोच रहा हूँ मैं जैम सी खा लेता हूँ। ये क्या कर रहा है प्रेरणा? मेरे से ना कंट्रोल नहीं हो रहा, मैं इतना बड़ा पीस खाने वाला हूँ। मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना, वेस्ट मत करियो। यार क्या अल्टीमेट गरम है पता अभी तक। हाँ तो फिर प्लीज किसी को देना है, मेरे को बाकी सारा डिस्ट्रीब्यूट करना। जितना खाना है उतना ही खाइयो। ऑनेस्टली गाइस मुझे इतना टाइम कोई वीडियो बनाने में लगा, मेरी हालत खराब हो चुकी है, थक चुकी हूँ। अभी मैं आराम से बैठ के केक खाने वाली हूँ। और कौन कौन चाहता है कि उसको मैं केक एक्चुअल में। यार मजा आ गया, सीरियसली अच्छा बना है, ऐसे बोल रहा है। तो गाइस इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज की इस वीडियो को। आई होप यू एंजॉयड वाचिंग दिस वीडियो। आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगा, मतलब मेरा एफर्ट अच्छा लगा होगा। हर्ष ने भी काफी हेल्प कर दी वैसे, एंड मैं बहुत थक चुकी हूँ। गाइस प्रेरणा की इतनी मेहनत पे एक लाइक तो बनता है। और ये भी जरूर बताना कि आप क्या चाहते हो अगली बार मैं ज्वाइंट क्या बनाऊं, बर्गर पिज्जा जो भी कहोगे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।